प्लस टू जब खत्म हो जाएगा फिर वो काम स्टार्ट हो जाएगा उसके वो करने का। अभी भी काम चल रहा है लेकिन स्लो चल रहा है। उसके बाद ये बिजनेस जाके आप अभी कर रहे हैं और पीछे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो लाइट्स जो जिसकी बाइक्स जो लाहौर की है इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है। उसके बाद सर ये अभी जेटी जो है करें इनका ये प्लान है कि इसको इसके साथ मर्ज करके शिप का रिपेयर किया और यार्ड बनाएगा। उसके बाद ये सर सी पैक रोड है जो बॉलो से लेकर चाइना तक जाएगी जी जी। और ये रेलवे जो पाकिस्तान रेलवे के लिए जगह रिजर्व है ML1 जी। सबसे पहले ये रेलवे साउदर्न और नॉर्दर्न फ्रीजों को साथ में जोड़ेगी कि ये साउदर्न फ्रीजों में और वो नॉर्दर्न फ्रीजों में सबसे पहले इनको साथ में जोड़ेगी। उसके बाद फेज थ्री फेज फोर में एक्सटेंड होगी एक्सटेंशन इसकी बढ़ के चाइना तक भी जाएगी। ये सर जो अगर जी डी ए के अंदर जी डी ए डेवलप कर रही है तो उसमें से मैप में प्लान में नहीं है ठीक है। उसके बाद सर नॉर्दर्न फ्रीजन शुरू होता है जहाँ पे अभी कोस्ट गार्ड है जी यहाँ से स्टार्ट होता है नॉर्दर्न फ्रीजन। इसमें ये इंडस्ट्रियल एरिया पूरा इस तरफ का और उस तरफ है रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे लाइट इंडस्ट्रीज होंगी हैवी इंडस्ट्रीज कोई भी नहीं होगी सही है। और उस तरफ सर रेजिडेंशियल एरिया में अपार्टमेंट्स फ्लॉट वगैरह और जो ये आप देख रहे हैं अटलांटा होटल जो दुबई में उसके कोबो और भी बनेगी। उसके बाद सर ये जगह ऑयल सिटी कहलाती है। ऑयल रिफाइनरीज यहाँ पे होंगी केमिकल स्टोरेजेस हैं आप जैसे देख सकते हैं ये सारी ऑयल रिफाइनरीज हैं आप जहाँ पे चाइना खाम तेल ला के रिफाइन करके आगे लेके जाएंगे। ये सर जो सी पे वाला रूट है निकल के